हेलो एंड वेलकम टू आवर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है, विच स्टेट विल फीचर इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क वेयर आर्ट वर्क्स मेड फ्रॉम स्क्रैप एंड डिफेक्टिव पार्ट्स विल सून बी ऑन डिस्प्ले। कौन सा राज्य भारत के पहले टायर पार्क की सुविधा देगा जहां स्क्रैप और खराब भागों से बनाई गई कलाकृतियां जल्द ही प्रदर्शित होंगी। इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना। तो अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका फर्स्ट ऑप्शन, विच इज वेस्ट बंगाल। आप जानते हैं वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है जगदीप धनकर। के बाद आपका क्या कहते हैं, जो तेलंगाना है, तेलंगाना की अगर हम बात करें, हमारा जो डी ऑप्शन है, तेलंगाना में एक अभी कैंपेन स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है साइबर कैंपेन। महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और बिहार, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आपके चुनाव चल रहे हैं, नीतीश कुमार आपके सीएम हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार से है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन रिलीज्ड रुपीज 2200 करोड़ एज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू 15 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एयर क्वालिटी मेजर्स। हु इज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन एट प्रेजेंट। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता उपायों के सुधार के लिए भारत भर के 15 राज्यों में पहली किस्त के रूप में 2200 करोड़ जारी किए। तो आपके जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशंस पे 22 करोड़ आपकी गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। तो आपसे पूछा गया है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एट प्रेजेंट कौन है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है यशवर्धन के सिन्हा, सेकेंड ऑप्शन इज सुनील अरोरा, थर्ड ऑप्शन इज निर्मला सीतारमन और आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है एन के सिन्हा। मैं इधर लिख देती हूँ, आई थिंक इट्स नॉट विजिबल, एन के सिंह। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है यशवर्धन के सिन्हा। ये आपके सीआईसी हैं, इनका भी अभी हाल में ही नियुक्ति हुई है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर हम सेकेंड ऑप्शन की बात करें जो कि है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, सीईसी हैं। उसके बाद निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। और जो हमारा लास्ट ऑप्शन है विच इज एन के सिन्हा, ये है हमारे जो 15th फाइनेंस कमीशन है ये उसके चेयरमैन है। तो ये तो बात हो गई इस क्वेश्चन की। तो आपके जो एन के सिन्हा है इनकी चेयरमैनशिप के अंतर्गत फाइनेंस कमीशन ने ये रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए हैं। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार से है। द नेशनल जल जीवन मिशन ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस विद कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज ऑफ रूरल वाटर सप्लाई ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज। द मीटिंग वॉज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण जल पूर्ति के संबंधित मंत्रियों के साथ एक आभासी सम्मेलन आयोजित किया। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्र जल मंत्री डैश ने। तो आपकी जो जल जीवन मिशन है इसके अंतर्गत जो मीटिंग हुई है इसमें आपके जो पूछा गया है जल मंत्री या आपके जो वाटर मिनिस्टर हैं वो कौन है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, हर्षवर्धन और एस जयशंकर। अगर हम हमारे आखिरी ऑप्शन की बात करें, लास्ट ऑप्शन की बात करें, एस जयशंकर, तो ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। फिर हम हर्षवर्धन की बात करें तो इनका नाम आप जानते हैं, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर। देन हमारे जो जो सेकेंड ऑप्शन है विच इज पीयूष गोयल, ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। प्लस इनके पास कॉमर्स इंडस्ट्री भी है, कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भी है। इसके अलावा एक और विभाग इनके पास है जो कि मैं यहाँ लिख देती हूँ इस तरफ, जो कि है
कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीन हमारे इनके पास हैं। इसके अलावा अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो हमारे जो जल मंत्री का नाम है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ये इसका सही उत्तर है। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो आपको ये भी इसके अंतर्गत जो दो इनके इनिशिएटिव्स हैं उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। पहला है आपका 100 डेज कैंपेन। अगर आपको याद होगा 100 डेज कैंपेन, 100 डेज कैंपेन जिसके तहत पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करी जाएगी स्कूल्स एंड आंगन बाड़ी वर्कर्स इन रूरल एरियाज, ये आपको याद होगा। इसके अलावा एक और चीज है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जिसके तहत आपका जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है इसको प्रोवाइड करने की बात हो रही है, जो फैसिलिटी है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड करने की बात करी जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा ये वाला प्रश्न। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार से है। इंडियाज फर्स्ट सोलर एनर्जी पावर्ड मिनिएचर ट्रेन वॉज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित लघु ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है राजस्थान, दूसरा है केरला, तीसरा है बिहार और चौथा है हमारा गुजरात। अब अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम गुजरात की बात करें तो आपको याद होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने सी प्लेन सर्विस स्टार्ट की है गुजरात में। स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ पे है गुजरात ने आपका सी प्लेन सर्विस स्टार्ट करी है। इसके अलावा एकता मॉल और चिल्ड्रंस मॉल भी स्टार्ट किया है आपके प्रधानमंत्री मोदी ने ऑन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे हम एकता दिवस भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम केरला की बात करें तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका केरला। केरला के जो सीएम हैं उनका नाम है पिनरई विजयन और इसके जो गवर्नर हैं उनका नाम है मद आरिफ। इसके अलावा राजस्थान की अगर हम बात करें, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत आप जानते ही होंगे। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक कैंपेन्स है आपका राजस्थान का जिसके बारे में आपको जानना है, प्योर फॉर प्योर कैंपेन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इस प्रश्न की। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। Duarte Pacheco has been elected as the new president of the Inter-Parliamentary. Is from which country? Duarte Pacheco को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, वो किस देश से है? हमारे जो ऑप्शन वो है रशिया, फ्रांस, पोर्चुगल और तो इसका जो अगर हम इसके प्रश्न के आंसर की बात करें तो उससे पहले हम देख लें जरा की बात करें तो यूके के जो प्रेसिडेंट हैं आप जानते हैं बोरिस जॉनसन। फ्रांस की अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो उनका नाम है इमानुएल मैक्रोन, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहे हैं। इसके अलावा रशिया की अगर हम बात करें तो वो है व्लादिमिर। इसके अलावा इस प्रश्न की हम बात करें तो इंटर पार्लियामेंट्री के अध्यक्ष दुआर्ते पैकियो को, जो कि कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। ठीक है, अब अगर हम इसके बारे में कुछ चीज़ें देख लें वो कुछ इस प्रकार से हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इसका अभी 266 सेशन हुआ था के अध्यक्ष के रूप में भारतीय पेशी को किया गया है। नेक्स्ट इज उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो, और 2020 और 2023 के लिए इलेक्शन इलेक्शन हुआ है। इसके अलावा भारत से रिप्रेजेंट किया है श्री ओम बिरला, श्री ओम बिरला जो कि लोकसभा स्पीकर है प्रेजेंट करेंगे भारत भारत को इंटर पार्लियामेंट्री। इसके अलावा आपका जो इंटर पार्लियामेंट्री का योगदान रहा है वर्ल्ड वॉर के दौरान काफ़ी फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, जो विवाद है उनको
सुलझाने के लिए, प्लस कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्शन के, जैसे कि यूनाइटेड नेशन, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एंड लीग ऑफ नेशंस। इसके अलावा इसका जो स्लोगन है वो क्या है, वो डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसके अलावा इसके अंतर्गत 6 जियो पॉलिटिकल ग्रुप्स आते हैं जिनका की नाम है अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया पैसिफिक और लैटिन अमेरिका, फिर आखिरी में है आपका अरब ग्रुप एंड 12 प्लस। ये देखिए अफ्रीका, यूरेशिया, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और अरब ग्रुप एंड 12 प्लस। इसके अलावा इंडिया जो है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप में का पार्ट है, एशिया पैसिफिक जो ग्रुप है इसका पार्ट है इंडिया आपका। ये दो चार चीज़ें आपको जाननी है। ओम बिरला इंडिया इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, लोकसभा के स्पीकर हैं, 2020-23 के लिए इनका नियुक्ति हुई है किसकी, द्वारते पैचिको, और 2006 सेशन था आपका इंटर पार्लियामेंट्री। आते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि कुछ इस प्रकार से है, गंगा उत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड इन द लाइट ऑफ 12th एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेयरिंग रिवर गंगा एज नेशनल रिवर बाय होम। आपका जो गंगा नदी को राष्ट्र नदी घोषित करने की 12वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गंगा उत्सव किसके द्वारा मनाया जा रहा है, तो गंगा उत्सव मनाया जा रहा है तो आपको बताना है किसके द्वारा ये मनाया जा रहा है। तो आपका इसके तहत पहला जो ऑप्शन है वो है आपका NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और फिर है आपका बोथ ANB और या फिर आपका अर्बन डेवलपमेंट। तो अगर हम इस स्क्वायर प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है NMCG और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, यानी NMCG इज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति आपके जो मिनिस्टर हैं, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। इसके अलावा आपके अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो अगर हम गंगा की बात करें तो गंगा का जो गंगा ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से, इसका उद्गम स्थान है। इसके अलावा ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है यहाँ पे उद्गम स्थान पे, देन आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है, कहाँ, देवप्रयाग में, और आगे चल के ये उत्तराखंड में इसे हम गंगा के नाम से जानते हैं, और ये इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ये भारत की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके अलावा अगर हम गंगा की ही बात करें तो गंगा एक्शन प्लान, गंगा के तहत एक इनिशिएटिव है गंगा एक्शन प्लान, तो आपका ये 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में जान लीजिए। फर्स्ट रिवर प्लान है आपका टू इम्प्रूव वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए इसमें बात हो रही है, बाय डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज, जो कूड़ा होता है डोमेस्टिक सीवेज होता है उसके ट्रीटमेंट और डाइवर्जन के द्वारा इसके इस आपका जो वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने की बात है किसमें, गंगा एक्शन प्लान में। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो इसकी ये है, ये 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट एंड रिवर गंगा के द्वारा 2011 में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की शुरुआत की गई थी। तो ये तो कुछ चीज़ें थी जो आपको इसके तहत जाननी थी। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि है, इंडियन नेवल शिप एरावत रीच द पोर्ट सुदान अंडर फेज टू ऑफ विच मिशन, भारतीय नौसेना जहाज एरावत किस मिशन के दूसरे चरण के तहत सुदान पोर्ट पहुंचा। आपका इसके जो ऑप्शंस है वो है मिशन सागर, प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम या जल। ये इसका जो सही आंसर है वो है सागर। अब अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो मिशन सागर के तहत आपका 100 टन फूड लेके आपका जो INS एरावत है ये सुदान पोर्ट पे पहुंचा है। आप जानते ही हैं भारत जो 19 पैंडेमिक तीन कंट्रीज उसके फ्रेंडली राइट के तहत 100 टन फूड पहुंचा है एरावत का सुदान। इसके अलावा ये जॉइंट कोऑर्डिनेशन है के बीच में
एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको हम कहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जयराम रमेश आपके मिनिस्टर हैं, और डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच का ये कोऑर्डिनेशन है, डिफेंस मिनिस्टर आपके राजनाथ सिंह। इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें, ये तो आपका सेकेंड फेज था, जो फर्स्ट फेज था आपका, जो फर्स्ट फेज था के तहत INS केसरी, नेवल शिप केसरी है, वो आपका फूड और मेडिकल एड लेके गया था, और इसके तहत आपकी जो कंट्रीज हैं जैसे कि कॉमरोस, मेडागास्कर, सेशेल्स और मॉरिशस, वो एड प्रोवाइड करी थी किसने, INS केसरी ने फर्स्ट फेज में। और सेकेंड फेज में अभी कहाँ पहुँचा है, सुदान में पहुँचा है, और कौन सा मिशन है सागर। इसके अलावा प्रोजेक्ट सागरमाला, प्रोजेक्ट मौसम के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। हमारा आज का करंट अफेयर्स, मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। उससे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप चाहते हैं इस सेशन का PDF डाउनलोड करना, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे इन्फो कैप्सूल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, प्लस मेरे ऑफिशियल चैनल नीलम सिंह ऑफिशियल से। इसके अलावा मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।